हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे आ गए हैं। ये एक साल तक के बच्चे का जाली पैटर्न है और इसको बनाने के लिए आप 50 से 55 फंदे डाल सकते हो। आज का डिज़ाइन पंखुड़ी पैटर्न है। आप देख सकते हो जिस तरह से पंखुड़ियों की शेप होती है, उसी तरह से ये स्वेटर की डिज़ाइन डली हुई है। अगर आप इस डिज़ाइन को बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। ये सैम्पल हम आपको 25 फंदों पे डाल के दिखा रहे हैं और 10 सिलाई में जाके ये डिज़ाइन हमारा ओवर हो जाएगा। पहली सिलाई सीधी तरफ से सीधी बुनी जाएगी, इसमें शुरू के 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और ध्यान दें, ये सैम्पल हम आपको 10 नंबर की सिलाई पे बना के दिखा रहे हैं। अब इसके बाद हमें जाली डालनी होगी, तो हम ऊन को आगे ही रखेंगे और इस फंदे को इस तरह से बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया। इसके बाद हम ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, और इसी तरह से हम 15 फंदे सीधे और उल्टे बुनते जाएंगे। और इस तरह से 15 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद, स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिएगा, हम ऊन को पीछे ही रखेंगे और एक और फंदा इस तरह से हम ऊन आगे लाके उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पे भी हमारी जाली डल गई और एक फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ गया। इसके बाद बाकी के बचे हुए 4 फंदे भी हम उल्टे बुन देंगे। इस तरह से हमारी पहली सिलाई ओवर होती है। अब हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में भी शुरू के 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और इस तरह से 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद, ध्यान दीजिए ये हमारा जाली वाला फंदा है, तो इसको हम इस तरह से पीछे घुमाते हुए आगे लाके उल्टा बुन देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, जो बाकी के 15 फंदे हैं उन्हें हम एज इट इज बुनेंगे, यानी कि फली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, और जो नॉट वाला फंदा है उसको ऊन पीछे ले जाके इस तरह से उल्टा बुन देंगे। इस तरह से हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करते हुए 15 फंदे बुनने होंगे। और इस तरह से 15 फंदे सीधे और उल्टे बुनने के बाद, ध्यान दीजिए हमारा वापस जाली का फंदा आ गया है, तो इसे भी हम उल्टा ही बुन देंगे और इसके बाद जो बाकी के बचे हुए 5 फंदे हैं उन्हें भी उल्टा बुन देंगे। और इस तरह से हमारी दूसरी उल्टी सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और इस तरह से 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद, ध्यान दीजिए हमारी जाली आ गई है, तो हम ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे और इस तरह से एक फंदा सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया। इसके बाद ऊन आगे लाके दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके तीसरा फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 14 फंदा उल्टा। इसी तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करते हुए हम 15 फंदे बुन देंगे। और इस तरह से 15 फंदे सीधे उल्टे बुनते हुए, ध्यान दीजिए हमारी यहाँ पे जाली आ गई है, तो हम ऊन को पीछे ही रखेंगे और इस फंदे को इस तरह से उल्टा बुनते हुए ऊन को हम यूँ घुमाएंगे और यहाँ पे जाली डालेंगे और इस फंदे को मिला के बाकी के बचे हुए 6 फंदे भी हम उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं चौथी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ध्यान दीजिए, जो हमारा 7वां फंदा है वो जाली का फंदा है, तो उसे हम पीछे से उल्टा बुनेंगे। इसके बाद बाकी के 15 फंदे उल्टे और सीधे हम बुनते जाएंगे। देखिए, सीधे फंदे बुनने के लिए ये फली आपको देखनी है, इसे आपको सीधा बुनना है, और उल्टे फंदे के लिए आपको ये नॉट देखनी है। तो इस तरह से उल्टे और सीधे फंदे, 15 फंदे आपको इस तरह से बुनने होंगे।
और इस तरह से 15 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद बाकी के बचे हुए 7 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। तो इस तरह से हमारी चौथी उल्टी सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं पांचवी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में भी शुरू के 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ध्यान दीजिए, ये 5 फंदे हमने प्लेन उल्टे बुन लिए, जो 2 फंदे जाली के हैं इन्हें भी हम उल्टा बुन देंगे। इस तरह से हमने 7 फंदे उल्टे बुन दिए। इसके बाद ऊन को हम अपने तरफ ही रखेंगे और इस फंदे को हम इस तरह से ऊन घुमाते हुए सीधा बुन देंगे, तो हमारी यहाँ पे जाली डल गई। इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से 15 फंदे हम सीधे और उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से 15 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद आप देख सकते हो ऊन हमारी पीछे ही है, तो हम इसको इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे जाली डाल के एक फंदा उल्टा बुन देंगे और बाकी के बचे हुए फंदे भी हम उल्टे बुन देंगे। इस तरह से हमारी पांचवी सीधी सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं छठी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 9 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से 9 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे ला के एक फंदा उल्टा बुनेंगे और इसी तरह से 15 फंदे सीधे और उल्टे बुनते जाएंगे। और इस तरह से 15 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद बाकी के बचे हुए 9 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से हमारी छठी उल्टी सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं सातवीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 8 फंदे उल्टे बुनने के बाद ध्यान दीजिए हमारी यहाँ पे जाली आ गई है, तो हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर वापस ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा। इस तरह से हम 15 फंदे सीधे और उल्टे बुनते जाएंगे। और इस तरह से 15 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद हमारी जाली आ गई है, तो हम ऊन को इस तरह से लपेटते हुए जाली डालेंगे और बाकी के बचे हुए सारे फंदे उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से हमारी सातवीं सीधी सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं आठवीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 9 फंदे उल्टे बुनने के बाद ध्यान दीजिए हमारा वापस से नॉट वाला फंदा आ गया है, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम 15 फंदे उल्टे सीधे बुनेंगे। और इस तरह से 15 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद हम बाकी के बचे हुए 9 फंदे भी उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से हमारी आठवीं उल्टी सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं नवी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ध्यान दीजिए, नवी सिलाई में हमें फंदों को बंद करना होगा।
और इस तरह से 9 फंदे उल्टे बुनने के बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हमें जाली नहीं डालनी है, अब हमें फंदों को बंद करना है। इसके लिए हम ऊन पीछे ले जाएंगे और देखिए ये जो फंदा है इसे हम इस तरह से उतारेंगे और पलट के चढ़ा देंगे और फिर दो फंदों का एक फंदा कर देंगे, यानी कि एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों को मिला के हम दो का एक कर देंगे। वापस देखिए, ये सीधा फंदा है, इसे हम इस तरह से सिलाई पर उतारेंगे और इसको पलट के चढ़ा देंगे और फिर जो उल्टा फंदा है उन दोनों फंदों को, इन दो फंदों को हम दो का एक कर देंगे और इसी तरह से हम दो फंदों का एक फंदा 8 बार करेंगे। ध्यान दीजिए, हमने अब तक 8 फंदे बढ़ाए थे, यानी कि 4-4 जाली दोनों तरफ डाली थी, तो अब हम उन फंदों को बंद कर रहे हैं। और आप देख सकते हो इस तरह से हमने यहाँ पे 8 फंदों को बंद कर दिया है। अब बाकी के बचे हुए फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी नवी सीधी सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 10वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई को हमें उल्टी तरफ से प्लेन उल्टा बुनना होगा। इस सिलाई में हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना, इसे प्लेन उल्टे बुनते जाना है। ध्यान दीजिए, 10वीं सिलाई में ना हमें जाली का फंदा लेना है, ना फली का फंदा लेना है, जो भी फंदे हैं सबको प्लेन उल्टा बुनते जाना है और इस तरह से 10वीं सिलाई को आपको ओवर करना होगा। इसके बाद 11वीं सिलाई आपको वापस पहली सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपके पूरे डिज़ाइन को कम्प्लीट करना होगा। इस सैम्पल के कम्प्लीट होने के बाद का फाइनल लुक बनने के बाद इस तरह से आएगा और यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।